दोस्तों, आज जब खड़गे साहब खुद ही मुद्दा बन गए हैं, इंडिया अलायंस के लोग, कांग्रेस के लोग खड़गे साहब के मुद्दे को बॉल बनाकर उछाल रहे हैं, तो थोड़ा पुराने से विषय को उठाना जरूरी है। खड़गे साहब, आपको याद है कि नहीं, देश के राष्ट्रीय उत्सव स्वतंत्रता दिवस के समारोह में जो मुख्य समारोह था लाल किले पर, आप नहीं गए थे और आपकी जो कुर्सी थी लाल किले पर वो खाली रह गई थी। और इसीलिए दोस्तों, इनके पुराने बयान को उठाया हूं और सवाल जवाब के साथ शुरू कर रहा हूं। आप कारण गिनते चले जाइएगा। खड़गे साहब, स्वतंत्रता दिवस समारोह में आप क्यों नहीं गए थे, जरा बताइए ना। एक तो मेरे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है। आंख का प्रॉब्लम, दूसरा कारण भी बता दीजिए आप क्यों नहीं गए थे। दूसरा क्या है, मेरे को घर पर 920 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से। सुनते जाइए दोस्तों, जो ये कारण गिना रहे हैं क्यों नहीं गए थे स्वतंत्रता दिवस समारोह में, तीसरा कारण भी बता दीजिए। फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है। सुन रहे हैं ना, कांग्रेस के दफ्तर में झंडा फहराना है, इसलिए लाल किले के समारोह में नहीं गए। ये कांग्रेस के अध्यक्ष ही नहीं है बल्कि राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। और भी कोई कारण हो तो वो भी गिना दीजिए खड़गे साहब। और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते। बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए दोस्तों, कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी तक उनको रुकना पड़ता है। अब इनसे कोई पूछे कि ये क्या मोदी जी के लिए होता है या जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उन सब के लिए होता है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी के लिए हो रहा है। और इसके बाद वो रक्षा मंत्री, लोकसभा स्पीकर का भी नाम लेते हैं। इन्होंने एक और कारण बताया दोस्तों, सुन लीजिए। यूं ही जैसा उनको छोड़ते हैं वैसा तो मुझे रास्ता नहीं देते। ये जनाब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसलिए बता रहा हूं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। जो व्यक्ति ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में इन्हीं की पार्टी का योगदान है, वो स्वतंत्रता दिवस समारोह में ही नहीं गया। अब अगर ऐसे व्यक्ति को दोस्तों सरकार ने G20 में नहीं बुलाया तो अच्छा काम किया ना, अगर नहीं बुलाया, जानबूझकर भी नहीं बुलाया तो भी अच्छा काम किया है, आप ये समझ लीजिए। और इनके चक्कर में तो बेचारे नड्डा जी भी छूट गए। मगर ये सब करने के बाद कांग्रेस को लगता है दोस्तों कि वो खड़गे को मुद्दा बना लेंगे। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को यूरोप के ब्रसेल्स में जाकर हवा दी, वहां का रास्ता चुना इस मुद्दे को उठाने के लिए। सुन लीजिए। No, what's contrary about it? I mean, they've decided not to invite the leader of the opposition. और भूपेल साहब का भी जो दर्द है ना, वो उमड़ पड़ा, वो भी सुन लीजिए। विपक्षी नेताओं को आमंत्रित नहीं किए जिसमें खड़गे साहब शामिल है, ये प्रचार प्रसार करने का एक तरीका है। फिर इंडिया अलायंस के लोग कैसे चुकेंगे, वो भी कूद पड़े। संजय राउत को सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनकी अपनी प्रतिष्ठा है कांग्रेस के अध्यक्ष की, रिस्पेक्ट होता है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, आप उनको न्योता नहीं देते। और इसके बाद तो दोस्तों खड़गे साहब खुद ही विलाप करने लगे। ये ट्वीट देख लीजिए, अब इस पे जा नहीं रहा मैं। चिदंबरम साहब, कब हिंदी बोला होगा, अगर आपने कभी सुना हो हाल फिलहाल में बताइएगा, हिंदी में ट्वीट कर रहे हैं इसी मुद्दे को उठा करके। शशि थरूर जी वो भी ट्वीट कर रहे हैं। तमिलनाडु के कांग्रेस नेता मोहन कुमार मंगलम का ट्वीट देखिए। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इंडिया अलायंस का ये जो मुद्दा है ना, मामला, वो ग्लोबल हो गया। और इन्होंने तो सीधे दलित वाला मामला उठा दिया, इनको लग रहा है कि दलित वाला मुद्दा उठाएंगे तो बस सब कुछ सही हो जाएगा। मगर सच्चाई ये है दोस्तों कि जिस खड़गे साहब के लिए देश का स्वतंत्रता दिवस समारोह भी महत्वहीन है, उनके लिए भला G20 की क्या अहमियत होगी। और इसीलिए जैसे ही G20 खत्म हुआ, वो मोदी को बोले कि ये भटकाने वाला मुद्दा उठा करके लाते हैं, असली मुद्दा छोड़ देते हैं, यानी G20 अब इनके लिए भटकाने वाला मुद्दा लगता है। यानी अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टा है, और कांग्रेसी जो है ना इसे चुनावी कैंपेन बता रहे हैं। लेकिन खड़गे जी के लिए ये मुद्दा कितना सतही है दोस्तों,
ये जानना इसलिए जरूरी है और इसका पता इससे चलता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बुलावे के बाद भी G20 के समारोह में नहीं पहुंचे। जी हां, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं बुलाया गया, कई लोगों को बुलाया गया। एयर रिस्ट्रिक्शन, कहने लगे कि भैया हवाई जहाज में ऊपर में बहुत रिस्ट्रिक्शन डाला गया, बाद में पता चला झूठ बोल रहे हैं। गृह मंत्रालय ने ही इनके झूठ का जो है खुलासा कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके एक मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के सुखराम सुक्खू जो हैं वो तो पहुंच गए, लेकिन इसके अलावा दोस्तों कई और कहानी जो G20 ने ना केवल खड़गे के पुराने कांड को सामने ला दिया खड़गे जी के, बल्कि इंडी अलायंस के बीच का जो झगड़ा है उसको भी उजागर कर दिया, और आज के वीडियो में ये भी दिखा रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इंडी अलायंस में बहुत बड़ी फूट पड़ गई है। मोदी जी ने जो G20 का आयोजन किया ना, जो विदेशी गुटबंदी है चीन पाकिस्तान वो सब तो स्वाहा हुए ही, उस पर तो अलग से भी कहानी बनानी पड़ेगी, लेकिन जो भारत के अंदर का ये स्वार्थ परक गठबंधन है उसमें भी भयंकर फूट पड़ गई, टूट पड़ गई। और मैं 6 तस्वीरों के जरिए, 6 सबूतों के जरिए बल्कि आपको दिखाता हूँ। पहली जो कहानी है वो नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है। कुछ नहीं है दोस्तों, आप सिर्फ तस्वीरों को एक एक करके देखते चले जाइए। अभी तो मैं खड़गे की कहानी सुनाया, राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, ये इंडी अलायंस का जो कर्ता धरता है ना वो यही नीतीश कुमार जी हैं। देखिए फोटो एक एक करके मैं कुछ फोटो दिखाता हूँ, क्या शानदार फोटो है। आ रहे हैं जो बाइडेन, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी, और सामने नीतीश कुमार। अद्भुत तस्वीर है दोस्तों, ऐसा मतलब जीवन में कोई सोच नहीं सकता मुख्यमंत्री से ऐसे मुलाकात। अब इस तस्वीर को देखिए दूसरी, कितनी आत्मीयता है। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जब आपस में मिलते हैं, क्या शानदार तस्वीर है दोस्तों। याद कीजिए नीतीश कुमार को, इन्हीं मोदी जी के लिए गठबंधन तोड़ दिया था 2013 में, फिर बाद में चिपक गए, फिर इनका स्वार्थ कहीं और जमा, फिर कहीं चले गए, और अब जाकर ये तस्वीर देख रहे हैं ना। आगे बढ़िए, तीसरी तस्वीर में आइए, ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति से नीतीश कुमार को मिला रहे हैं। ऐसी शानदार तस्वीर दोस्तों, और ये जो तस्वीर है ना, मतलब आप यकीन मानिए दोस्तों। इसके बाद नीतीश कुमार की एक और तस्वीर है, देख लीजिए किनके साथ हैं, हेमंत बिस्व शर्मा जी के साथ है। मुंह एकदम फुला हुआ है, कोप भवन में लगता है। मतलब तस्वीरों के जरिए क्या कहानी गढ़ी जा सकती है वो मैं आपको बता रहा हूं। और जाहिर है दोस्तों इस ये जो तस्वीर है ना, तस्वीर तो कहते हैं ना कि हजारों शब्दों पर भारी पड़ता है, इसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जी हां, बहुत सारी शंकाएं पैदा हो गई हैं, और पीके ने जो तो बयान दिया है दोस्तों वो तो काफी मायने रखता है। वो तो कह रहे हैं कि नीतीश के लिए इंडिया दरवाजा है, एनडीए खिड़की है, सब कुछ खुला हुआ है। ये स्थिति है नीतीश कुमार की। अब मैं दूसरी तस्वीर की ओर लेकर आता हूं, जिससे आपको पता चलेगा फूट हो गई है। ये है ममता दीदी, बहुत लोग नहीं पहुंचे, कांग्रेस के तो बड़े बड़े नेता नहीं पहुंचे, ये पहुंची, और पहुंची तो एक ही तस्वीर अभी तक सामने आई है जो मैं देख पा रहा हूं। आप देखिए इसमें भाजपा नेता के साथ है, बाकी तो हेमंत सोरेन भी है। तो ये तस्वीर, और इस तस्वीर का असर कितना दूर तक पड़ा ये जानना जरूरी है, इससे आपको पता नहीं चलेगा। जैसे ही ये तस्वीर आई, देखिए खबरें, इंडिया में पड़ी फिर पड़ी फूट, INDIA, G20 डिनर समारोह में ममता के शामिल होने से भड़की कांग्रेस, TMC का भी आया जवाब। दूसरा देखिए, G20 डिनर में ममता बनर्जी के शामिल होने पर अधीर रंजन चौधरी हैरान, पूछा आपके जाने की वजह क्या थी। बहुत सारी, एक में ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के बगल में बैठी है। तो बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है दोस्तों। ये जो इंडी अलायंस के लोग हैं ना, वो बंगाल के अंदर भारी फूट है, लगातार लड़ रहे हैं और लड़ाई हो रही है। और उसके बाद जैसे ही ये तस्वीर आई, सब बंटाधार हो गया, और उसके बाद ये जो लड़ाई है और तीखी हो गई। तो ये है दूसरी, जो दूसरा सबूत है, बल्कि तस्वीर की जगह।
अब तीसरे सबूत पर आइए, वो मैं आपको दिखाता हूं। हेमंत सोरेन, ये जब पहुंचे वहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री, तो देखिए क्या लिखा है। टुडे इवनिंग आई हैड द प्लेजर टू अटेंड G20 इंडिया 2023 ऑफिशियल डिनर होस्टेड बाय ऑनरेबल राष्ट्रपति भवन। अब तस्वीर देखिए कौन कौन सा लगाया। एक तस्वीर ममता वाली, दूसरी तस्वीर में बैठे हुए हैं और गिरिराज सिंह है उनके साथ, तीसरी तस्वीर देखिए हेमंत सोरेन के साथ नीतीश कुमार है, और चौथी तस्वीर में वो खुद अकेले हैं, आप समझिए। और जैसे ही ये तस्वीर सामने आई दोस्तों, हेमंत सोरेन का वहां जाना बताता है कि मामला कुछ सही नहीं है। और ऊपर से एक और कहानी भी आपके सामने रख देता हूं, ईडी का बुलावा भी आ गया है। जी हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं इनको लग रहा है कि मोदी से मिल लो काम बन जाएगा, मोदी जी से मिल लेंगे तो हो जाएगा। मगर मोदी इस मामले में तो मुझे दोस्तों बड़े सख्त नजर आते हैं, इस मामले में कोई ढिलाई होगी नहीं, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। इंडी अलायंस में जो शक पैदा करने की प्रवृत्ति है वो तो हो ही गई ना। अब मैं आपको चौथा सबूत दिखा देता हूं। एक और मुख्यमंत्री तमिलनाडु में, जहां सनातन धर्म को लेकर इतना बवाल पैदा किया जा रहा है, सनातन धर्म को खत्म करने की लगातार बात हो रही है, वहां की तस्वीर एमके स्टालिन, इन्होंने ये फोटो ट्वीट किया है, देख लीजिए, है ना जबरदस्त फोटो। ये भी अमेरिकी राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, ये मौका भी मोदी ने दिया है। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता ना, भूल जाइए, कुछ नहीं होता, देश उल्टा बदनाम हो जाता अगर ऐसा मौका भी मिलता। इस G20 में जो है ना, दो तीन देश आते, बाकी मना कर देते, हम नहीं आएंगे, क्योंकि कर ही नहीं पाते। आपको कॉमनवेल्थ में दिखा दिया, अब नेम से तुलना मत कर दीजिएगा, वो डेवलपिंग कंट्रीज थे, सबकी हालत एक जैसी है, ये डेवलप्ड कंट्री हैं जो यहाँ पर आए हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, ये देखिए तमिलनाडु की, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये तस्वीर बड़ी कहानी कहती है दोस्तों, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। जो ये तस्वीर है ना, वो तमिलनाडु की राजनीति को एक नई करवट दे रही है, और इसीलिए इंडिया अलायंस के लोगों में बड़ा भूचाल है इस समय। और एक कहानी दिखाता हूँ, सबूत नंबर 5। ये तस्वीर तो दोस्तों बड़े बड़े लोगों के होश उड़ा देने वाले हैं, सुक्खू साहब के साथ प्रधानमंत्री मोदी। हालांकि बाद में ये भी आई कि सुखराम सुक्खू जो है, उससे प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल में जो त्रासदी आई है उसके बारे में पूछा है, लेकिन वो तो कभी भी हो सकता था। ऐसा थोड़ी है कि सुखराम सुक्खू अगर बोलेंगे प्रधानमंत्री से कि मुझे मिलना है, ये त्रासदी के बारे में जानकारी देनी है, तो मना कर देंगे, कभी नहीं। स्थिति तो ये है दोस्तों कि PM जब गए थे बंगाल उस भीषण तबाही के बाद, तो ममता नहीं पहुंची थी, उसके अधिकारी नहीं पहुंचे, यहां तो प्रधानमंत्री खुद आगे बढ़कर उपलब्ध रहते हैं। तो सुखराम सुक्खू का जाना दोस्तों कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक तमाचा है, करारा तमाचा। और जो मुख्यमंत्री नहीं गए, आप समझिए इस कॉन्ट्राडिक्शंस को महसूस कीजिए, और इंडिया अलायंस के बीच की जो खटास है। और ये तो वो मुख्यमंत्री है ना जिसके पार्टी के अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया, यही तो कह रहे हैं ना। और तब सुक्खू का जाना बहुत बड़ी कहानी को बयान करता है। इसके बाद मैं सबूत नंबर 6 दिखाता हूं दोस्तों। G20 का ये जो आयोजन रहा, शानदार रहा, पूरी दुनिया गदगद है, हर किसी के पास अपनी एक कहानी है इस सफलता को बयान करने के लिए, और वो कर भी रहे हैं, दुनिया का हर बड़ा नेता। लेकिन प्रियंका वाड्रा किस प्रकार से नफरत से भरी हुई है, उसका अंदाजा उनके एक बयान से हो जाएगा, जिसमें वो कह रही हैं कि भगवान ने बारिश करके वो कह दिया जो डरी हुई जनता नहीं कह पा रही है। अब कौन सी डरी हुई जनता, पता नहीं, सुन लीजिए। आज सुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई, और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे, भगवान ने कह दिया। देख रहे हैं ना दोस्तों, इनके G20 मतलब लग रहा है कि इनका नहीं है, इनके देश, इनके प्रधानमंत्री, इनका कुछ नहीं। जब तक गांधी परिवार से लोग नहीं होते ना, तब तक दूसरे का होता है। मनमोहन बीजिंग ओलंपिक में भी जब तक ये खुद नहीं गए, तब तक इनका ओलंपिक भी नहीं होता। लेकिन इस
जवाब, इसका जवाब प्रियंका वाड्रा के इस आलोचना का जवाब आपको शशि थरूर के ही बयान में मिलेगा, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, और इसलिए मैं शशि थरूर का भी बयान आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। So the Delhi Declaration is undoubtedly a diplomatic triumph for India. It's a good achievement because right until the G20 summit was being convened, the widespread expectation was there would be no agreement and that therefore a joint communique might not be possible. We might have to end up with a chairman's summary. The reason for that in particular, the main reason was the big gulf between those who wanted a condemnation of the Russian war in Ukraine and those like Russia and China who wanted no mention whatsoever of that subject. India was able to find a formula to bridge that gap and that is a significant diplomatic achievement. अब जरा सोचिए दोस्तों, जहां प्रियंका वाड्रा इसी G20 की बुराई कर रही और भगवान का नाम लेकर, वहीं शशि थरूर इसकी तारीफ कर रहे हैं, इसकी सफलता के गुण गा रहे हैं। और इसीलिए कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जिनकी नियत में खोट होता है उन्हें एक्सपोज करने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी हरकतों से, वो अपने बयान से ही एक्सपोज हो जाते हैं। और G20 की जो ये आयोजन हुआ है उसके बाद सारी परिस्थितियां एकदम आईने की तरह साफ हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।